नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों आज आपकी तारीख है 20 दिसंबर 2019 की, सारी हम बड़ी अपडेट्स और टुडे ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे SMH टेट हाई स्कूल TET परीक्षा स्थगित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए क्या अपडेट आई है, देखिए ट्विटर पर अपडेट आया दोस्तों कि सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट द हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 22 दिसंबर इन आसाम विल नाउ बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2020। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है कि जो बच्चे आसाम टेट का पेपर देने वाले थे वो परीक्षा स्थगित हो चुकी है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों 22 दिसंबर को एच टेट का पेपर होने वाला था, लेकिन दोस्तों अब उसे चेंज करके उसकी डेट क्या कर दी गई है, 19 जनवरी। अब दोस्तों बात करेंगे, अब लखनऊ में इंटरनेट सेवा बंद, इंटरनेट सेवाएं दोस्तों बंद हो चुकी हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड अब क्या होगा? तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, ये वीडियो वही बच्चे देख पा रहे होंगे जहां पर इस समय इंटरनेट चल रहा होगा। तो दोस्तों एक कोशिश कर सकते हैं आप लोग अपने उन दोस्तों की, अगर उनके यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूपी टेट का पेपर भी 22 दिसंबर को होने वाला है, उसकी कुछ बातें समझिए पहले। अगर आपका पेपर कब हो सकता है और क्या, देखिए इस समय आपको अफवाह से भी सावधान रहना है, क्योंकि सभी बच्चों को उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि यूपी टेट का पेपर भी शेड्यूल्ड हो सकता है या पेपर की डेट बदली जा सकती है। लेकिन दोस्तों आपका पेपर बहुत ही अलग है, क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर है वो छोटा मोटा पेपर नहीं होता। आसाम टेट में इतने बच्चे नहीं होंगे जितने आप में है, 16,45,000 बच्चे दोस्तों इन्वॉल्व हैं। तो ये परीक्षा स्थगित होना मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे CAA, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 200 पेपरों की परीक्षा स्थगित कर दी गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल DVPHT बवाल के चलते भर्ती प्रक्रिया 2 दिन के लिए टली। तो दोस्तों इस समय हर चीज टल जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरा मैटर कल आपको जो देखा होगा। देखिए पहले इसको बात कर लेते हैं लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो अगर यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद है तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, लखनऊ में इंटरनेट सेवा बंद होना। संशोधित नागरिकता कानून CAA के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने राजधानी में शनिवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट एवं SMS सेवाएं बंद कर दी। जी हाँ दोस्तों, अब तो SMS भी नहीं पा पाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में गुरुवार की देर रात निर्देश जारी किया। अवस्थी ने सरकारी आदेश में कहा है, यह आदेश 19 दिसंबर को दोपहर बाद 3 बजे से 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रभावित रहेगा। इससे पहले एक अधिकारी ने भाषा को बताया कि सोशल मीडिया पर किसी तरह के दुष्प्रचार और लोगों की भावनाएं भड़काने वाली कोई पोस्ट को प्रसारित होने से रोकने के लिए राजधानी में शनिवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट एवं SMS सेवाओं को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कल जुमे की नमाज होने की वजह से किसी तरह की कोई अशांति पैदा ना हो, इस वजह से प्रशासन ने यह कदम उठाया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि इंटरनेट सेवाएं लखनऊ में बंद है। जी हाँ दोस्तों, कहीं और बंद हो तो चलता, लेकिन अब यूपी की राजधानी में इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाना ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि इसीलिए दोस्तों सभी बच्चे अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पेपर की डेट बदली जा सकती है। बस दोस्तों हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो आपका पेपर है डेट बदलने की बात हो रही है 22 दिसंबर की, तो वो पेपर दोस्तों बहुत ही मुश्किल है और समझ लीजिए ना के बराबर दोस्तों इसमें उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की तारीख बदली जाएगी। तो अगर आप दोस्तों तैयारी करें तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही मत करिए, पेपर आपका 22 को ही होगा। क्योंकि दोस्तों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी डेट चेंज हुई, असम के बाद दोस्तों अलग है कि यहाँ पर चलिए ठीक है वहाँ के माहौल थोड़े अलग हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डेट चेंज होना स्वाभाविक है। और यूपी कांस्टेबल दोस्तों ये 2 दिन के लिए थी। देखिए आपका पेपर अगर संडे से पहले होता तो शायद डेट चेंज हो सकती थी, लेकिन दोस्तों जैसे इलाहाबाद में आपने देखा तो कुछ जगह दोस्तों बदली गई, लेकिन आपका पेपर तो 22 को ही होगा। उसमें किसी भी प्रकार की दोस्तों अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, अगर कुछ उसमें दोस्तों मिलेगा तो हम आपको सबसे पहले अपडेट भी कर देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिएगा, ताकि वो भी पढ़ाई करते रहें। देखिए होता है क्या ना, अगर अभी हम बताते कि भाई आपका पेपर कैंसिल हो गया तो आप लोग तुरंत इसको शेयर करते, लेकिन अभी नहीं हुआ है तो शायद आप ना करें। लेकिन दोस्तों करिए, उनको मोटिवेट करिए कि नहीं यार पढ़ना है, अभी पेपर आपका होगा। कुछ जगह दोस्तों देखिए आपका इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो रही है, टेट की परीक्षा भी स्थगित हो रही है, यूपी कांस्टेबल मतलब पुलिस तक की दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया को रोका जा रहा है, मतलब ये बवाल बड़ा है। ये बात आप समझ रहे हैं कि लखनऊ में दोस्तों इंटरनेट सेवा बंद होना मतलब समझ रहे हैं, राजधानी ठप पड़ गई इस समय।
तो इलाहाबाद में दोस्तों क्या अपडेट आई, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2019-20 की पीजी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 20 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुए छात्र आंदोलनों के चलते ईवीवी एवं इसके संबंध कॉलेजों में तय तिथि से 3 दिन पहले 21 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। गत 16 दिसंबर से ही ईवीवी व कॉलेजों में अवकाश है, सभी सेमेस्टर परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। देखिए दोस्तों, ये सब पेपर की बात अलग है, लेकिन जो आपका पेपर है ये सब बहुत ही आपका पेपर मतलब दोस्तों अलग है, और इसमें लगभग 16.5 लाख बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर और ये सब जो पेपर थे इससे कोई लेना देना नहीं, तो आपका पेपर दोस्तों होगा। अगर कुछ भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी तो हम आपको अपडेट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग परेशान हो। तो परीक्षा दोस्तों जो कैंसिल होने के चांसेस है वो काफ़ी कम लग रहे हैं फिलहाल अभी, अगर होगा तो दोस्तों हम बता देंगे, लेकिन हाँ कुछ जगह दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। अगर देखिए, अगर इंटरनेट सेवाएं चालू नहीं की गई, जैसे दोस्तों लखनऊ की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ अगर इंटरनेट सेवाएं बंद है, अगर मान लेते अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो इसमें दोस्तों आपकी कोई गलती नहीं है। पहली बात, आप एडमिट कार्ड पेपर के 10 मिनट पहले तक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है, रूल है। ऐसा तो है नहीं कहा जाता कि नहीं भाई पहले आज ही डाउनलोड करो, वो तो पेपर के दिन तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, 22 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं इन केस आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपके यहाँ भाई कुछ भी दंगा भड़का, कुछ भी हुआ, इंटरनेट सेवा ठप हुई, आपको इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो बच्चे तो पहले एडमिट कार्ड निकाल लेते। और लखनऊ में दोस्तों कुछ बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा भी होगी, लखनऊ में बच्चों की संख्या कम नहीं होगी, और काफ़ी बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला है। और एक बात और दोस्तों, जब आप पेपर देने जाएँ तो पूरी सावधानी के साथ जाएँ पेपर देने, कि भाई देखिए सेफ्टी सबसे पहले भी होती है, पेपर तो है ही अपनी जगह और सेफ्टी भी अपनी जगह है, तो पेपर देते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, कि पेपर अच्छे से हो और सेफ्टी पर्पस भी दोस्तों किसी ना किसी को आप साथ में रखें। अब दोस्तों बात कर लेंगे यार, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की तो तैयारी कैसे करें। देखिए सभी सब्जेक्ट के दोस्तों ने आपके लिए वीडियोस बना रखी है, अगर आप यूपीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हैं 22 दिसंबर के लिए, तो दोस्तों हमने आपके लिए सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, चाहे वो मैथ का सब्जेक्ट हो, चाहे वो दोस्तों आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो जाए। दोस्तों देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हम बता दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो हमने बना रखी है, संस्कृत, तो इस सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो के दोस्तों जो लिंक है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए सीधे वहीं से देखिए और समझ जाइए। बाल विकास के दोस्तों हमने पूरी वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए दोस्तों ईवीएस की पूरी वीडियो हमने बना रखी है, तो जल्दी से जाइए, बिल्कुल इंतजार मत करिए किसी का, और अच्छे से पढ़िए, और दोस्तों डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं पेपर में, क्योंकि आपका पेपर 150 नंबर का आएगा। और पेपर दोस्तों देखिए क्या होता है ना, थोड़ा इस बार बात की गई कि पेपर को कठिन करने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको कितना भी घुमाया जाए लेकिन आप उसका उत्तर आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन पढ़ते समय इसका ध्यान दीजिएगा, काफी क्वेश्चन बड़ा लिखा रहेगा, लास्ट में लिख देगा नहीं है, ठीक है नहीं है, और पता नहीं क्या लिखा है, ऐसा बोला जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं है आपको ये बताना है, फिर उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी दिया रहेगा, कहेंगे यार आपने नहीं नहीं पढ़ा, तो कहेंगे अरे नहीं यही तो है, इसको टिक मार दो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं जिससे आप गलतियां करें, तो जहां नहीं लिखा है उसको बहुत ही पहले एक काम कर सकते हैं आप लोग, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो पहले एक काम किया करिए, जैसे अगर आप पहला सेक्शन पढ़ रहे हो ठीक है ना, तो जब क्वेश्चन पढ़े तो तुरंत ही नहीं के नीचे आप पेन से टिक मार दें, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जैसे आप नहीं वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास टिक रहेगा, तो आप समझ जाएंगे यार कि हमें उत्तर कैसे देना है। हर बार बच्चों से ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जहां नहीं लिखा होता है, उसमें भी बच्चे गलती करते हैं, तो ये 5 से 10 नंबर आपके कम होने के बजाय बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी तरीके होते हैं कि कैसे आप लोग अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं, तो अगर ये सब तरीका आप लोग अपनाएंगे तो पेपर में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा, पेपर नॉर्मल ही रहेगा, तो उसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, डरना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। तो कुछ चीज़ें दोस्तों और हम बता दें आपको इस वीडियो के दौरान, कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आता है दो क्या है, दोस्तों देखिए दो एक आपकी अभाज्य संख्या पहले समझ जाइए, अगर ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता रहेंगी तो पेपर में डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या है, कभी कभी दोस्तों ऐसा पूछा जा सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दो ही है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है। अब आपको बता दें अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, मतलब इसको डेफिनेशन समझ लीजिए, छोटी छोटी चीजें दोस्तों जो आपके हमेशा गलती करते हैं, अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जो एक से कटे और एक खुद से कटे, ठीक है दोस्तों। कोई भी अभाज्य संख्या होगी, जैसे मान लेते 11, ये किससे किससे कटती, एक से कटेगी और 11 से कटेगी, 13 ये किससे कटेगी, एक से कटेगी और 13 से। अब दोस्तों बात आती है भाज्य संख्या की, छोटी छोटी चीजें सीख लीजिए इस वीडियो के दौरान, सबसे छोटी दोस्तों भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, वो 4 होती है, किससे कटती है, 4 एक से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। भाज्य संख्या की डेफिनेशन ये होती है कि सबसे
मतलब कोई संख्या दोस्तों अगर कम से कम 3 अंकों से कटती, 3 संख्याओं से कटेगी, तो वो संख्या भाज्य संख्या है, कम से कम 3, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दोस्तों कम से कम 3 तो होने ही वाले हैं, इससे कम में कभी बात बनेगी नहीं भाज्य संख्याओं में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे 12, 12 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, मतलब कम से कम 3 संख्या तो होनी चाहिए, चाहे 12 हो या 4, दोस्तों बात वही होती है, ठीक है ना। इसका भाज्य संख्या का हमारा नियम क्या कहता है, कम से कम 3 संख्या तक कटे, अब भाज्य संख्या अब दोस्तों कम से कम 2 और अधिक से अधिक भी 2 ही होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप लोग गलती करके आते हैं पेपर में, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। भाज्य अभाज्य संख्या में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होती है, तो डेफिनेशन याद है तो आप पेपर में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पेपर कोई कठिन नहीं आएगा। तैयारी करते रहिए, अगर पेपर की डेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होगा हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल लास्ट टाइम में दोस्तों होता है कि अफवाह इतनी ज्यादा होती है ना कि आप लोग गलतियां कर जाते हैं, तो इस समय दोस्तों काफी बच्चे हो सकता है आपको अफवाह कैसे फैला सकते हैं हम बता रहे हैं। हरियाणा टेट मतलब ये असम टेट वाला मैटर चल रहा है ना, इसी को दोस्त आपको मतलब उसका लिंक कुछ ना उस पर एडिट मार देंगे, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर देंगे, एडिट करके आपके पास भेज देंगे, आपको लगेगा यार नहीं यार ये तो ऑफिशियल है भाई, ट्विटर पर अपडेट है तो ऑफिशियल अपडेट है, तो आप लोग जल्दबाजी में गलती कर जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को बनाया कि आप लोग इसको शेयर करिए, समझिए कि आपके साथ नहीं हुआ है, ये फिलहाल असम में हुआ है, तो आपके साथ दोस्तों होने की कोई भी उम्मीद भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ज्यादा बड़ा है और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव मतलब सरकार को काफी महंगा पड़ेगा। तो सरकार दोस्तों पूरी कोशिश करेगी और किसी भी प्रकार का पेपर में परिवर्तन करने की स्थिति पैदा नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों हम बता दें खाली इंटरनेट सेवा जो बंद है उससे थोड़ा नुकसान होगा बच्चों बच्चों का, और जैसे इंटरनेट सेवाएं दोस्तों चालू हो जाएंगी, देखिए अच्छी बात यह है कि 19 तारीख को ही आपकी इंटरनेट सेवाएं चालू हो जाएंगी, मतलब तो मतलब 19 नहीं दोस्तों आपका कौन सा तारीख था इसको देख लेते हैं, कि जहां पर इंटरनेट सेवाएं दोस्तों बंद की गई है वहां पर इंटरनेट सेवाएं दोस्तों आप लोगों की 21 दिसंबर को, जी हां दोस्तों 21 दिसंबर, देखिए यहां पर लिखा है ना 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा, मतलब आदेश, उसके बाद आपका इंटरनेट सेवाएं चालू हो जाएंगी, तो मतलब सही है 22 से पहले आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा, उसके बाद आप तुरंत जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आगे प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलेंगे।